अवमानना के साथ ही महिला के ऊपर अश्लील हरकत करने वालों और बकाया वेतन को तत्काल किए जाने की मांग को लेकर चंदूलाल चंद्राकर के कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कचांदूर वर्ग के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर सोमवार को दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट के परिसर में जमीन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि आंदोलनकारी कर्मचारियों द्वारा कोर्ट की अवमानना के साथ ही महिलाओं के ऊपर अश्लील टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही बकाया वेतन दिए जाने को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस पर शासन प्रशासन द्वारा अब तक इस मुद्दे पर कोई रुख नहीं किया। वहीं दोषियों पर कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में सभी कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध जताया, जिसके तहत अनशन कर रहे कर्मचारियों को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया गया। वहीं प्रदर्शन कर रही एक महिला की तबीयत ज्यादा खराब हो जाने से उसे तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया, जिसके पास वहीं अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर चंदूलाल चंद्राकर के कर्मचारियों ने दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे से मुलाकात की। इस संबंध में मीडिया के समक्ष कर्मचारियों ने अपनी पीड़ा बताई। हम लोग अभी चार मांग को लेकर आए हैं, चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल किए हैं। हम लोग 14 तारीख से मैं आमरण अनशन पे बैठा हूँ। हमारे साथियों का हमारे 121 मिलियन की मांग, हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का जो आदेश है, हम लोग यहाँ लोकतंत्र में है, संविधान के हिसाब से चलता है, लेकिन यहाँ उल्लंघन हो रहा है। वहाँ प्राइवेट ठेकेदार, वहाँ डीन सर हैं, उनके आदेश अनुसार वहाँ पे प्राइवेट ठेकेदार को वहाँ आदमी लेके काम कराया जा रहा है, तो ये कैसा हो रहा है? पालन तो सबू करना पड़ेगा। हम लोग जब बैठे हैं तो हमारी एक नहीं है और वो बाहर से आदमी ला के काम करा रहे हैं, ये उल्लंघन, उनको ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, मैं इसलिए और मांग के करें कि वहाँ पे हमारे महिला साथी बैठे रहते हैं, उनके ऊपर अश्लील अभद्र व्यवहार करके वहाँ पोस्टर चिपकाया जाता है। आज तक के उन लोग खुल गए, आज तक की उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनको मतलब गिरफ्तार करना चाहिए, उनको एक्शन लेना चाहिए। कोई ऐसी सब नहीं सर, अभी तक के तो नहीं। परसों आए थे, डॉक्टर टीम आया था, उन्होंने अपने मोबाइल नंबर दे के गया है और हम लोग अपने बीपी और जो चेकअप वेकअप करते हैं, हमारे डॉक्टर टीम है, वही कर लेते हैं, उनको रिपोर्ट दे देते हैं पुलिस के। मोहनलाल बघेल। मांग बहुत सामान्य से बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये इस लोकतंत्र में बहुत ही एक शॉक तो होने वाला मामला है कि हमारा मांग है कि 12 करोड़ बकाया वेतन है, न्यूनतम वेतन हमारा चंदूलाल चंद्राकर में आज तक नहीं दिया जा रहा है। जहाँ पर धरना में बैठे हैं महिलाएं, वहाँ कॉलेज के अंदर उन महिलाओं के खिलाफ ये पोस्टर चस्पक किया जाता है कि महिलाएं वेश्यावृत्ति करती हैं, उसके खिलाफ आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं है। तीसरा, मुख्यमंत्री महोदय जी से हमने कितने बार बात करने की कोशिश किया, सैकड़ों बार, पता नहीं मुख्यमंत्री साहब हमको अछूत समझते हैं, दलित समझते हैं, या पाकिस्तान के समझते हैं, क्या आतंकवाद समझते हैं, ये पता नहीं, हमसे मुलाकात करने के लिए आज तक तैयार नहीं हुए। तीसरा बात यह है कि कोर्ट का जो अवमानना जो कर रही है डीन वहाँ का, कि हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में स्टे दिया है, उस स्टे में स्पष्ट लिखा है कि तृतीय वर्ग और चतुर्वर्ग के कर्मचारी भर्ती नहीं कर सकते, उस पर वो स्टे लगा दिया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 15 दिनों से लगातार उसमें ठेकेदारी के माध्यम से चतुर्थ वर्ग की कर्मचारी ले जा रही है। हमने पुलिस अधिकारियों के ये बात कहा, लेकिन वो बोलते हैं कि आप अवमानना कोर्ट में जाइए, कोर्ट लगाइए। लेकिन साहब, इस कानून को, अवमानना को पालन कराने के लिए कौन आता है? पुलिस अधिकारी ही आता है, सरकार ही आता है, लेकिन हमको जो है सीधा कोर्ट का रास्ता बताया जाता है। लेकिन मुझे बहुत ही दुखद बात है कि आज हम तिल तिल मर रहे हैं, हमारा न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल रहा है, इसी बात को बताने के लिए हम आए हैं और इसी बात को हम कलेक्टर साहब से अवगत कराने आए कि कलेक्टर साहब, आप जिला के मुखिया हो, थोड़ा एक मिनट तो मिल लो। लेकिन अभी भी मिलने के लिए तैयार नहीं है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। हम तय करके आए हैं, या तो हमें जेल दो या तो हमें न्याय दो। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।